हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं सिलोजिज्म का पार्ट 3। पिछले दोनों पार्ट में मैंने डेफिनेट केस वाला लगभग सारा कंसेप्ट खत्म कर दिया है। आज हम लोग करेंगे उस डेफिनेट केस का ही लास्ट कंसेप्ट, ओनली ए फ्यू कंसेप्ट। ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में दिखे जा रहे हैं, और आशा करता हूँ कि अभी जो आने वाला एग्जाम्स होगा उसमें भी ये कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिखा ही जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, इसलिए मैं लास्ट में करा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ठीक है। ये ओनली ए फ्यू क्या है? ओनली ए फ्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ओनली ए फ्यू एक्चुअली पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कैसे? देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग लिखते हैं ओनली ए फ्यू, ए आर बी। इसको इसका मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कैसे? इसको हम लोग फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो इसका दोनों मतलब निकलता है। सम ए आर बी, और एक है सम ए आर नॉट बी। जैसे कि ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो कब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को लेंगे, कब, कैसे हमारा एग्जांपल, कैसे हमारा स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलेगा? देखिए, हमारा स्टेटमेंट से कंक्लूजन मैच करने के लिए हमको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा तभी मेरा कंक्लूजन सही होगा। हम लोग पिछले वाले में क्या कर रहे थे? ऑल से होगा तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से आ रहा है, नेगेटिव है तो, मतलब कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों में से आ रहा है, ऐसे कुछ ऐसे करके कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें ना दोनों ही है, तो दोनों कंक्लूजन मैच करवाना पड़ेगा। दोनों अगर कंक्लूजन राइट हो तभी हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल कर समझते हैं। चलिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। ऑल बॉक्स आर कप्स, ओनली ए फ्यू कप्स आर प्लेट, सम प्लेट्स आर जग्स, फॉलोड बाई थ्री कंक्लूजन। सम जग्स आर नॉट कप्स, ऑल प्लेट्स आर बॉक्स, सम बॉक्स इज नॉट जग्स, ठीक है। ये कंक्लूजन कैसा कंक्लूज, ये स्टेटमेंट कैसा कन स्टेटमेंट है? ऑल बॉक्स आर कप्स, ये है पॉजिटिव स्टेटमेंट। और ओनली ए फ्यू कप्स आर प्लेट, ये कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। इसको एक्सपेंड हम लोग करेंगे तो ये मिलेगा, सम कप्स आर प्लेट, और सम कप्स आर नॉट प्लेट। देखिए, ये है पॉजिटिव वाला, ये है नेगेटिव वाला, और तीसरा क्या है? पॉजिटिव वाला। हमारा कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम जग्स आर नॉट कप्स, ये कैसा कंक्लूजन है? ये नेगेटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट में देखते हैं जग्स और कप्स कहाँ हैं। जग्स तो हमको यहाँ दिख गया और कप्स यहाँ दिख गया। तब इसको कम्बिनेशन अगर करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाएंगे तब मेरा नेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बनता है हमेशा, तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा? नेगेटिव निकलना चाहिए, तो ये नेगेटिव है, तो ये हो सकता है। अभी चेक करते हैं हम लोग। जग्स क्या है? जग्स इधर 50 है, ये भी 50 है, और कप्स, इसको कप्स, ओनली ए फ्यू कप्स और प्लेट, इसको इधर लिखते हैं। ये दोनों तो हम लोग एक्सपेंड कर लिए हैं। ये है 50, 50, और ये क्या है? 50, और नॉट प्लेट है इसलिए ये है 100। इसका मतलब लास्ट वाला, ओनली ए फ्यू में लास्ट वाला 50 भी होगा, 100 भी होगा, और फर्स्ट वाला हमेशा 50 होगा। ये हमेशा याद रखिए, ये सबसे आसान तरीका है। फर्स्ट वाला 50 होगा और लास्ट वाला 50 भी होगा, 100 भी होगा। इधर देखिए, ये क्या है? जग्स 50 है, ये 100 है। तभी हम लोग चेक करेंगे जग्स। इधर देखिए, प्लेट प्लेट कॉमन है, प्लेट में एक में 100 है, एक में 50 है, तो कम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है।
ये 50 है, 50 है, लेकिन इसमें तो 100, 100 भी है ना, तो ये 50 है, तो कम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं, मान के चलिए हम लोग कर सकते हैं। अभी देखिए कप्स, कप्स क्या है, और सम जग्स आर नॉट कप्स, जग्स क्या है 50, ठीक है ये हो सकता है, नॉट कप्स, नॉट कप्स, कप्स इधर है, कप्स में क्या है सिर्फ 50 है, ये क्या है 100 है, तो मेरे पास 50 रुपये है, 100 रुपये क्या खर्च कर सकते हैं, नहीं, तब ये कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अभी दूसरे में आते हैं, ऑल प्लेट्स आर बॉक्स, ये कैसा कंक्लूजन है, पॉजिटिव, ठीक है, बॉक्स कहाँ है, प्लेट्स कहाँ है, प्लेट्स तो हमको इधर दिखा है, और बॉक्स कहाँ दिखा है, बॉक्स और प्लेट इधर भी है और बॉक्स इधर भी है। चलिए पहले इन दोनों से मिलता है कि नहीं देखते हैं, कप्स, कप्स ये तो कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के सम ओनली ए फ्यू ए आर बी, ये वाला स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर हम लोगों को कंबाइन करना हो तो, अगर हम लोगों को कंबाइन करना हो तब हम इसको नेगेटिव लेंगे, नहीं तो दूसरा कुछ लेंगे, उसको हम लोग बाद वाले एग्जाम्पल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 150, तो प्लेट्स कहाँ है, प्लेट्स इधर है, 100 भी है 50 है, तो हो सकता है, लेकिन इसके पहले ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या आता है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, इसको फर्दर हमको वैल्यू पुट करने का ज़रूरत ही नहीं है, जब पॉजिटिव देख लिए नेगेटिव आना चाहिए हमारा, तो गलत हो गया। ये हम लोग ये सारा चीज़ हम लोग पहले दोनों वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इस वीडियो में मैं फिर से वो सब बताने नहीं वाला हूँ, तो प्लीज़ पिछले दो वीडियो देख लीजिए, इसके लिए हम लोग कैसे ऐसे देख देख के बता रहे हैं आपको, अब लोगों को देख देख के ही बताना है। सिलोजिज्म सबसे आसान चीज़ है, इसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर पांचों क्वेश्चन सही करना है आप लोगों को, ठीक है, ऐसे ही देख देख के हम लोग आंसर मार्क करके चले जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा वाला देखिए, सम बॉक्स आर नॉट जग्स, ये कैसा स्टेटमेंट, नेगेटिव, बॉक्स कहाँ है इधर, और जग्स कहाँ है, जग्स 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 इधर है, तो इधर से इधर, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब क्या आएगा मेरा कंक्लूजन, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ही है, चलिए हो सकता है। अभी वैल्यू लिखते हैं 50, ये 100, बॉक्स क्या है इधर, ऑल बॉक्स 100 है, ये 50 है, ठीक है, इधर देखिए ऑल बॉक्स, बॉक्स के अंदर, बॉक्स के ऊपर 100 है, इधर क्या है 50 है, हो सकता है, नॉट जग्स, जग्स जग्स इधर है, जग्स के ऊपर क्या है 50 है, हमारा कंक्लूजन में क्या है 100 है, तो नहीं हो सकता, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोज, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये है हमारा दूसरा एग्जांपल, देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या है, ओनली फ्यू रैबिट्स आर कैरेट्स, ऑल कैरेट्स आर फूड, और कंक्लूजन है सम रैबिट्स आर कैरेट, सम फ्रूट्स आर कैरेट। पहले हम लोग इसको ओनली फ्यू दिया हुआ है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, हम लोग समझाने के लिए मैंने पूरा सब एक्सपेंड कर रहा हूँ, एग्जाम में ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को ऐसे ही समझ आ जाएगा, सम रैबिट्स आर कैरेट और सम रैबिट्स आर नॉट कैरेट्स, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला, और ऑल कैरेट्स आर फ्रूट्स, ये क्या है पॉजिटिव, सम रैबिट्स आर कैरेट्स, ये क्या है पॉजिटिव, सम फ्रूट्स आर कैरेट, ये क्या है पॉजिटिव। इससे पहले मैंने एक बात बताया, ओनली फ्यू को किसी भी और स्टेटमेंट के साथ, मतलब कंक्लूजन में है, ये वाला स्टेटमेंट को इससे अगर कंबाइन करना हो, अगर कंबाइन करना हो तब हमेशा ओनली फ्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि कंबाइन करने के लिए हमको इसको भी कंबाइन करना पड़ेगा, इसको भी कंबाइन करना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, तब ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कंक्लूजन में ये सेंटेंस ही पूरा उठा के दे दिया है या ये सेंटेंस पूरा उठा के दे दिया है, तब हम लोगों को कोई भी चीज़ को कंबाइन करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको देख के ही हम लोग मार्क कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोग ने ऐसा ही क्वेश्चन एक लिया है, सम रैबिट्स आर कैरेट, देखिए
इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो इधर दिख रहा है सम रैबिट्स आर कैरेट्स, ये एक अकेला ही स्टेटमेंट है जो कंक्लूजन में दे दिया है, इसको किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन करने का ज़रूरत ही नहीं है, तब हम लोग तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ यही है, ये क्या है मेरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, चल जाएगा, तो यही स्टेटमेंट उठा के जब दे दिया है तो ये कंक्लूजन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम स्टेटमेंट उठा के दे दिया है कंक्लूजन में, तब किसी के साथ भी कम्बिनेशन करने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा। अगर नॉट कैरेट्स, इसको अगर नॉट कैरेट्स दे दिया होता तो ये है, ये मेरा उठा के दे दिया है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ही होता जब अगर नॉट दिया होता तो ये भी राइट हो जाता। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, सम फ्रूट्स आर कैरेट्स, ये क्या है पॉजिटिव। ठीक है, ये देखिए फ्रूट कहाँ है, इधर है, कैरेट कहाँ है, इधर है, तो इसको किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन करने का ज़रूरत नहीं है, तो फ्रूट क्या है हमारा ऑल, ये 100, ये 50 है, ये क्या है 50, ये क्या है 50, देखिए फ्रूट देखिए 50 है, 50 है चलेगा, कैरेट क्या है 100 है, इधर कैरेट क्या है 50 है, ये भी चलेगा, तो बोथ फॉलोज, क्या आंसर होगा हमारा, बोथ फॉलोज, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया हुआ है, ऑल नंबर्स आर फिगर, ओनली ए फ्यू फिगर्स आर डिजिट्स, और कंक्लूजन है नो नंबर इज डिजिट्स, सम नंबर आर फिगर। पहले ये देख लेते हैं पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ये हमारा है पॉजिटिव, और इसको एक्सपेंड करते हैं पहले, सम फिगर्स आर डिजिट और सम फिगर्स आर नॉट डिजिट्स, ये है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट, और नो नंबर इज डिजिट, ये क्या है नेगेटिव, सम नंबर आर फिगर्स, ये क्या है पॉजिटिव। पहले इसको देखते हैं, नो नंबर इज डिजिट, नंबर कहाँ है, नंबर इधर है, डिजिट कहाँ है, इधर है, इसका मतलब इसको कंबाइन करने का ज़रूरत होगा, ओनली ए फ्यू को अगर मैंने क्या बताया कंबाइन करने का ज़रूरत हो किसी दूसरे स्टेटमेंट के साथ, तब ओनली ए फ्यू हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या आएगा, नेगेटिव, मेरा नेगेटिव ही है। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू पुट करके, नो नंबर 100 इज डिजिट 100, इसमें क्या है नंबर 100 है, इसमें क्या है 50, और पहला वाला क्या बताया था, हमेशा 50 होगा, दूसरा वाला 100 या 50, दोनों में से कोई एक होगा, नो नंबर, नो नंबर, ठीक है 100 100, डिजिट डिजिट क्या है, इसमें देखिए 100 वाला तो सेटिस्फाई हो रहा है, 50 वाला हो रहा है, 50 वाला भी हो रहा है, 50 वाला भी हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये देखिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं, क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट को तो ये चीज़ इस स्टेटमेंट को तो सेटिस्फाई कर दे रहा है, इसके साथ ये और ये जब हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, ये और ये जब कंबाइन कर रहे हैं तब तो मेरा ये सही हो रहा है, लेकिन ये और ये जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तब सही होगा दूसरे वाले के साथ, लेकिन ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे तब डिजिट के ऊपर क्या 100 है, नहीं डिजिट के ऊपर 100 नहीं है, तब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया दोनों को, ये दोनों राइट होना चाहिए, लेकिन इधर तो ये राइट तो हो रहा है लेकिन ये रॉन्ग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, किसी एक से नहीं होगा। सम नंबर्स आर फिगर, ये पॉजिटिव है, 50 50 नंबर्स 50 है, फिगर्स 50, ये कहाँ कहाँ है, नंबर तो इधर है, फिगर भी इधर है, मतलब कि एक ही में हो जा रहा है, कोई कॉम्बिनेशन का जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो नंबर 100 है, इधर 50 है, इधर 50 है, इधर 50 है, तो मेरा चल जा रहा है, सब सेम ठीक ठाक हो रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा, सेकेंड फॉलोज। ठीक है, अभी तीसरा
तीसरा तो हो गया, चौथा एग्जांपल में आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, ओनली फ्यू जिम्स आर बेड, ऑल बेड्स आर क्लॉक। और कंक्लूजन है, ऑल जिम्स आर बेड, सम जिम्स आर नॉट क्लॉक। इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, सम जिम्स आर बेड, सम जिम्स आर नॉट बेड। ये क्या है? ये हमारा है पॉजिटिव स्टेटमेंट, और ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है? पॉजिटिव। ये है पॉजिटिव कंक्लूजन, ये है नेगेटिव कंक्लूजन। ऑल जिम्स आर बेड, जिम्स कहाँ है? जिम्स है इधर, बेड कहाँ है? इधर। मतलब कि एक में हो रहा है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कहीं पर क्या ऑल जिम्स आर बेड दिया हुआ है? नहीं। इसको आप देख देख के ही कैसे सही कर सकते हैं बताते हैं। मैंने क्या बताया, ओनली फ्यू में, ओनली ओनली फ्यू में पहला वाला हमेशा 50 होगा, दूसरे वाले में ही ऑप्शन होगा 100 या 50। इसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये 100 होगा, 50 होगा। देखिए जेम्स इधर 50 है, इधर 100 है, जेम्स इधर 50 है, इधर 100 है। बस ये गलत हो गया, क्योंकि 50 रुपये है मेरे पास, 100 रुपये का सामान नहीं खरीद सकते, तब ये गलत हो गया। दूसरे में आते हैं, सम जेम्स आर नॉट क्लॉक, क्लॉक कहाँ है? इधर। जेम्स कहाँ है? इधर। अब ये कैसा, ये दोनों कम्बिनेशन करने का ज़रूरत पड़ रहा है, ये पॉजिटिव है, और ओनली ए फ्यू को जब किसी और के साथ कंबाइन करेंगे तो ओनली ए फ्यू हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव है इसका मतलब। तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन आना चाहिए, तो नेगेटिव ये हो सकता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 नहीं, सॉरी, ये 100 है, क्योंकि नॉट दिया हुआ है, 100 है। देखिए अभी जेम्स, जेम्स तो हमारा 50 है, और ये कंबाइन हो रहा है। देखिए इसमें 100 या 50 जो भी हो, लेकिन इसमें तो 100 है, ये 50 है, ये 100 है, इसमें 100 50 जो भी हो कंबाइन मेरा होगा, क्योंकि एक में हमें 100 चाहिए, बस इसमें 100 है, और इसमें एक बार 100 है, एक बार 50 है, तो दोनों बारी से ही कम्बिनेशन हो सकता है। तब देखिए ये जेम्स 50 है, इधर भी 50 है, तो ये सही है। नॉट क्लॉक, क्लॉक क्या है? मेरा 100 है, इधर क्या है? 50 है, स्टेटमेंट में 50 है, मतलब मेरे पास 50 रुपये है, मैं 100 रुपये का सामान नहीं खरीद सकता, तो गलत हो गया ये भी। हमारा आंसर क्या होगा? नन फॉलोज। अभी पांचवा में आते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल, ये हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ओनली ए फ्यू काउज आर एनिमल, ओनली ए फ्यू एनिमल्स आर शीप्स, और कंक्लूजन है, सम एनिमल्स आर काउज, ऑल एनिमल्स आर शीप्स। इन दोनों को पहले हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, क्या क्या होगा, सम काउज आर एनिमल, और सम काउज आर नॉट एनिमल। ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इसमें भी हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, सम एनिमल्स आर शीप्स, सम मेल्स आर नॉट सेफ। देखिए बहुत सारा वीडियो YouTube में है ये ओनली फ्यू रिलेटेड, लेकिन सब में देखिए ये कोई वेन डायग्राम बनाया है, कोई और कुछ बनाया है, और कुछ बनाया है, कोई और कुछ बनाया है, लेकिन हम लोग एक भी क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाए हैं? हम लोग सिर्फ देख देख के आंसर कर रहे हैं, कुछ भी बनाने का ज़रूरत नहीं। ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो कुछ भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, देखेंगे आंसर करेंगे बस, और कुछ नहीं। तो देखिए अभी कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है हमारा, सम एनिमल्स आर काउज, 50 है,
50 है, लेकिन और ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखिए एनिमल कहाँ है, एनिमल इधर है, और काउस कहाँ है, काउस इधर है, मतलब कि एक में ही हो रहा है, किसी के साथ कम्बिनेशन करने का ज़रूरत नहीं है। तब एक्सपेंड करने में जो दो हमारा स्टेटमेंट है उसका जो साइन होगा, अगर दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में ये सेम चीज़ दिया हुआ है, उसका जो साइन होगा हमारा कंक्लूजन का साइन भी सेम होगा। देखिए सम एनिमल्स आर काउस कहाँ दिया हुआ है, सम काउज आर एनिमल, ये तो सेम ही है ना, सम एनिमल्स आर काउस, क्योंकि ये 50 है ये भी 50 है, अगर ये सामने आए ये पीछे गया कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सम काउज आर एनिमल और सम एनिमल्स आर काउज सेम है, और ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, और इधर सेम स्टेटमेंट को उठा के दे दिया गया है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और इसमें देखिए दूसरे में क्या है, ऑल एनिमल्स आर शिप्स, ये भी हमारा पॉजिटिव है क्योंकि ऑल से शुरू होता है। एनिमल कहाँ है, एनिमल इधर है, शिप कहाँ है, शिप इधर है, और ये देखिए इधर भी एनिमल है शिप है, तो इसको इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए अब इसमें भी एक ही स्टेटमेंट में हो जा रहा है हमारा कंक्लूजन, तो इसको एक्सपेंड करने में अगर ये ही चीज़ दिया रहेगा तब इसका साइन मैच कर जाएगा। तो देखिए ये सम एनिमल्स आर शिप, सम एनिमल्स आर नॉट शिप्स, ये तो ऑल वाला कोई कंडीशन ही नहीं है। देखिए इसको मैंने पहले भी बताया कैसे देख के सॉल्व कर सकते हैं, ऑल का वैल्यू हमारा क्या होता है 100 50, मतलब कि पहला वाला 100 दूसरा वाला 50, और ओनली ए फ्यू में पहला वाला हमेशा 50 होगा और दूसरा वाला 100 या 50 किसी चीज़ में होगा। ये देखिए एनिमल 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 में मेरा क्या है 50, मतलब कि 50 रुपये है, और एनिमल में क्या है 100, मतलब कि 100 रुपये का सामान हमको खरीदना है, 50 रुपये है मेरे पास, 100 रुपये का सामान खरीद सकते हैं, नहीं, इसको ही देख के हमारा हम आंसर लगा देंगे गलत है ये, ठीक है, इसमें आने का ज़रूरत ही नहीं है। तब इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज। आशा करता हूँ कि आप लोगों का ओनली फ्यू वाला कंसेप्ट पूरा एकदम जितना भी डाउट हो सब सॉल्व हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और दूसरे दूसरे क्वेश्चन नेट में सर्च करने पे मिल जाएगा, तो इस चैप्टर से कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।